वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्यारे साथियो, मैं देख रहे सारे ही पाठको, आज आपां विशा सुनिया है कि सुखमनी साहब तो किस तरह सुखां की प्राप्ति की जा सकती है। जिस तरह के गुरबाणी में आता है, पड़ पड़ गड्डी लदियां, पड़ पड़ भरिया साथ, कि केवल पढ़न दे नाल ही उसका फायदा नहीं होंदा। जदों तक गुरबाणी जो कह रही है, संदेश दे रही है, उसनू आपां अपनी जिंदगी दे विच अमल विच नहीं लियावांगे, उदों तक उसका जिहड़ा विच दा संदेश है, जो विच गुरबाणी कह रही है, उसकी आपां प्राप्ति नहीं कर सकते। जिस तरह सुखमनी साहब दे विच आउंदा है, सुखमनी सुखम प्रभ नाम भगजना कै मन विश्राम, कि सुखमनी साहब दे पढ़न दे नाल जो उसका अंदर का संदेश है, जदों आपां उसनू अपनी जिंदगी दे विच अमल करते हाँ, तो असल दे विच आपां उन्हां सुखां की प्राप्ति कर सकते हाँ जो कि यह गुरबाणी कह रही है। सो प्यारे साथियों, केवल गुरबाणी पढ़न दे नाल नहीं, उस दे विचली जिहड़ी गल है, जो संदेश है, उसनू आपां अपनी जिंदगी दे विच अमल करिए, तां ही आपां सुखां की प्राप्ति कर सकते हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।